नमने ताताए उदला प्रदेशवत अरदला धनय गणमानी लाखेद हरे सर्वप्रथम महाराष्ट्र मंडल पटना की ओर से देशवासियों को और बिहार वासियों को गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, इस विगत दो साल के कोविड के बाद ये महाराष्ट्र मंडल ने इतना भव्य आयोजन किया हुआ है कि लालबाग के राजा का दरबार, जो मुंबई का दरबार है लालबाग का राजा का, वो यहाँ पर पूरे दर्शनार्थियों को पूरे तरह से खुला हुआ है। जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए एकदम ओपनली खुला हुआ है और दिन भर प्रसाद का वितरण चलता रहेगा। पिछले 48 सालों से महाराष्ट्र मंडल में गणेश पूजा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये 11 सालों में विशेष तौर पे हम लोगों ने एक प्रण लिया कि भव्य रूप से जो महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से हम लोग दर्शन, यहाँ के बिहार वासियों को दर्शन कराने का आयोजन हम लोगों ने किया है, और उसमें आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का बहुत हम लोग को सहयोग मिला, और हम आपके माध्यम से सभी जितने बिहार में दर्शनार्थी हैं सभी को दर्शन हो रहा है गणेश जी का। और विगत 10-11 सालों से हम लोग 7 दिनों का कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ गणेश पूजा का। 7 दिनों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी 2 तारीख को हम लोग हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होगा, जो महिलाएं, जितने मंडल की महिलाएं हैं सभी आएंगी गणेश जी के चरण में हल्दी कुमकुम चढ़ा करके, वही हल्दी कुमकुम एक दूसरे के मांग में भरेंगी और अपने सुहाग परिवार और देश के प्रति शुभकामनाएं गणेश जी से मांगेंगी कि अपना देश सुदृढ़ रहे, परिवार सुखी समृद्ध रहे, अपना पति सुहाग सही सलामत रहे। ये मूर्ति कहाँ से आई है जी? ये मूर्ति हम लोगों ने पिछले 11 सालों से एक प्रण लिया महाराष्ट्र मंडल ने कि मुंबई में रह करके मुंबई वासियों को लालबाग के राजा का दर्शन होना बहुत टफ रहता है, तो यहाँ बिहार से जा करके वहाँ लालबाग के राजा का दर्शन करना तो नामुमकिन रहता है। तो हम लोगों के माध्यम से सोचे क्यों नहीं हम लोग लालबाग के राजा की प्रतिकृति वहाँ से, मुंबई से मंगा करके महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से बिहार वासियों को उसका दर्शन कराया जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें सफलता पाई है और इतनी भीड़ उमड़ रही है लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पटना में, उसका आकलन करना मुश्किल है। और विशेष तौर पर हम लोगों ने इस बार उनको लालबाग के राजा के विगत दो साल में जो पूजा नहीं हो पाई, तो हम लोग के कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने सोचा कि गणेश जी की आरती में ही है कि हीरा जरित मुकुट शोभतो भरा, यानी मराठी में ये आरती है कि हीरा जरित मुकुट उनको शोभता है गणेश जी को। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक हीरा डायमंड लेकर के गणेश जी के मुकुट में हम लोग धारण कराएं। तो मंडल की ओर से उनको 5 कैरेट का हीरा का डायमंड, हम लोग 5 कैरेट का डायमंड हम लोगों ने धारण कराया गया है कमेटी की ओर से।
और ये 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा। 7 दिनों में अलग अलग विविध तरह के कार्यक्रम होंगे और इस बार हम लोगों ने भंडारा का आयोजन किया हुआ है। जितने भी दर्शनार्थी दर्शन के लिए आएंगे सभी को भंडारा का ये वितरित किया जाएगा और भंडार का भोग लग कर के ही जाएंगे दर्शनार्थी। 5-6 तारीख को हम लोगों ने विसर्जन का प्रोग्राम रखा हुआ है, शोभा यात्रा होगी निकलेगी। शोभा यात्रा में 50 लोगों का झांझ पतक एक ग्रुप महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित नामी है, वो झांझ पतक यहाँ आएगा और अपने कर्तव्य को दिखाते हुए शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएंगे गणेश जी की। त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव